द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। परंतु माधव, आप आज मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं पार्थ। आज मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आज मैं तुम्हारा सखा हूं, एक ज्येष्ठ भ्राता के समान हूं पार्थ। और जैसा मैंने कहा है वैसा करो पार्थ। अभी किसी और से मिलने का समय है। जैसे आपकी आज्ञा। कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। बाण संधान करो पार्थ। पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं भुगतता है। आज अच्छा खेट मिलेगा। आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। आपका स्वागत है कालदेव।
माता गांधारी का श्राप अब पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? प्रभु, प्रभु मुझे माफ कर दो। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण है, परंतु तुम विलाप ना करो व्याध। तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। जो कुछ भी होता है सब में मैं स्वयं सम्मिलित होता हूं। कर्म के चक्र को कोई नहीं टाल सकता। त्रेता युग में मैंने जब श्री राम का अवतार लिया था, तब उस युग में तुम वीर वानर वाली के नाम से प्रसिद्ध थे, और उस युग में मैंने बाण चलाकर तुम्हारा वध किया था, और उस कारण हेतु आज तुम्हारा बाण मुझे आकर लगा है। मेरे जीवन का उद्देश्य धर्म स्थापना था, और अब जब धर्म की नींव रखी जा चुकी है, तो मेरी उपस्थिति इस धरती का संतुलन बिगाड़ देगी। हर मनुष्य इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आता है, और उस उद्देश्य को पूर्ण करना उसका कर्तव्य होता है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया, और आज तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया व्याध। किंतु जब जब धरा पर अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, मैं तब तब लौट कर पुनः आऊंगा। मैं जा रहा हूं, किंतु मेरी सीख गीता का ज्ञान बनकर समस्त संसार में शेष रहेगी। वो बालकों की चंचलता में होगी, इस संसार के कण कण में होगी। रूप बदलेगा, किंतु मैं सदैव रहूंगा। शरीर का अंत होता है, किंतु जो अमर रहता है वो है सीख। Yeah.
काकाश्री, हम पिताश्री वासुदेव को छोड़कर नहीं जा सकते। ये उनका ही आदेश है लक्ष्मणा, द्वारका का अंत होने को है। उनका आदेश था कि मैं तुम सभी को यहां से हस्तिनापुर ले जाऊं। मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूं और तुम्हारा भी यही कर्तव्य है। माधव का संदेश था लक्ष्मणा कि लक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात समापन आवश्यक है, अन्यथा संतुलन बिगड़ता है। सृष्टि अपना संतुलन बना रही है लक्ष्मणा। ये तो पांचाली का स्वर है। आर्य, माधव, क्या हुआ पांचाली? माधव किसी संकट में है आर्य, द्वारका पर कोई संकट आया। वो माधव किसी समस्या में, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। शांत 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 पांचाली शांत, तनिक सोचो। जो हर समस्या का हल है, जो हर संकट का मोचन है, उन माधव को कुछ नहीं होगा। और फिर अर्जुन द्वारका गया है ना? परंतु आर्य, धैर्य रखो पांचाली, माधव को कुछ नहीं होगा। मुझे उन पर पूरा विश्वास है और अपने अनुज अर्जुन पर भी। सारथी, रथ रोको। ये स्थान सुरक्षित लग रहा है। क्या हुआ काकाश्री, आपने रथ क्यों रुकवा दिया? यात्रा थकान को जन्म देती है लक्ष्मणा, कुछ प्रहर विश्राम कर लेना चाहिए। चलो। आज मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं पार्थ, आज मैं तुम्हारा सखा हूं, एक ज्येष्ठ भ्राता के समान हूं पार्थ। और जैसा मैंने कहा है वैसा करो पार्थ। ये सब क्या हो रहा है काकाश्री? हम सभी मनुष्यों का जीवन एक यात्रा के भांति होता है लक्ष्मणा, जिसे हमें पूर्ण करना होता है। जहां से एक मनुष्य की यात्रा समाप्त होती है, वहीं से एक दूसरी यात्रा का आरंभ होता है। पर यही जीवन है। परंतु हमारी यात्रा अभी शेष है लक्ष्मणा, तुम थक गई होंगी, जाओ विश्राम कर लो। जैसी आपकी आज्ञा हो।
सावधान, पीछे हट जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। ए, उत्तर दो इसे। मैंने तो सहसास्त्र चलाया था, मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र, ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं शक्ति रक्षा? पीछे हट जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। ए, उत्तर दो इसे। मैंने तो सहसास्त्र चलाया था, मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र, ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं शक्ति रक्षा? तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। किंतु माधव, मैं आपके आदेश का पालन कैसे करूं? कैसे करूं इन सबकी रक्षा? लक्ष्मण, छुप के बैठिए। वो दिन समाप्त हुए अर्जुन, जब सारा संसार तुम्हारे गांडीव से कांपता था। अब नवयुग आरंभ हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ज्येष्ठ, कैसे मेरे बाण अपना संधान नहीं कर पाए? कैसे मेरे गांडीव की प्रत्यंचा टूटी?
मेरे रहते हुए मेरी सुरक्षा में आई कितनी स्त्रियों को वो कितने धन को लूट कर लेगा और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं माधव के आदेश का पालन नहीं कर पाया। जैसे नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। माधव का संदेश क्या है अर्जुन? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ, ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। मैं समझ गया अर्जुन, मैं समझ गया। परिवर्तन का समय आ गया है। नई पतियों को आने के लिए पुरानी पतियों का झंडा आवश्यक है। आपका मंतव्य क्या है आर्य? शीघ्र ही सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। हस्तिनापुर की राजसभा का आह्वान किया जाए। परीक्षित वृषकेतु को अवश्य बुलाया जाए। आज ये सभा यहां इसलिए बुलाई गई है जो योग्य है उसे उसका अधिकार प्राप्त हो। हम सब यहां अपनी नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वृषकेतु, परीक्षित, मैं सम्राट युधिष्ठिर आप सभी के समक्ष परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूं। महाराज परीक्षित की जय। महाराज परीक्षित की जय। महाराज परीक्षित की जय। महाराज परीक्षित की जय। और वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की जय। महाराज वृषकेतु की जय। महाराज वृषकेतु की जय। महाराज वृषकेतु की जय। Thank you.
परीक्षित की जय। महाराज वृषकेतु की जय। महाराज परीक्षित की जय। महाराज वृषकेतु की जय। सदैव एक दूसरे का साथ देते रहना और स्मरण रखना कि शक्ति बिना उत्तरदायित्व के भान के विनाश लाती है। सदैव अपना उत्तरदायित्व स्मरण रखना। तुम्हारे पिता ने तुमसे छोटी आयु में चक्रव्यूह तोड़ा था। ध्यान रहे, काम क्रोध मद मोह और आसक्ति के चक्र में मत पड़ना पुत्र। हमें तुमसे अनेकों आशाएं हैं। और तुम्हें उन पर खरा उतरना है। मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। तुम्हारे पिता समाज के लिए प्रेरणा थे, तुम भी उनके जैसे सूर्य बनकर चमकना, उनके यश को और भी अधिक उज्ज्वल करना पुत्र। और स्मरण रखना पुत्र, मनुष्य का कर्म उसके चुनाव उसकी नियति का निर्धारण करता है। सदा शुभ कार्य करना। महाराज वृषकेतु की जय। महाराज परीक्षित की जय। 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 भीतर कर क्या रहे? उन्हें भीतर के काफी समय हो गया है, हमें भीतर जाकर देखना चाहिए।